सीखने में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आपको कॉन्टेंट मैनेजर टूल्स मिल चुका है तो अब आपको एड्स ऑन डील हुआ आपका या इंस्टीमेट या बॉन्सेस का ऑप्शन मिलेगा। तो कई लोगों का डाउट है, कई लोगों को समझ नहीं आ रहा कि हम क्या ज्यादा नहीं कर सकते हैं, हमें क्या एड्स ऑन डील मिलेगा, हमें कॉन्टेंट मैनेजर टूल्स कब मिलेगा। तो कई लोगों का डाउट है जो है आज के इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो वीडियो काफी विशेष लाइक कर दीजिए, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही में बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर। उसका दोस्तों मैं राजू और आप देख रहे हैं टेक्निक राजकुमार। तो दोस्तों टोटली सी अटैक शुरू किसी क्वेश्चन से प्रश्न तो दीजिए इस चैनल पर ध्यान करने। अभी तक आपने हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन जाकर फॉलो कर सकते हैं। आपके पास कोई सवाल है सुझाव तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो चलिए बिना देर के वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बात करते हैं एड्स ऑन डील या बोनस या एस्टीमेट की। तो यहाँ पे दोस्तों अपडेट आने के बाद दोस्तों कई लोगों को कमेंट आ रहा है कि अब ये हमारे अकाउंट पे इनेबल होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों बिल्कुल नहीं, फेसबुक अगर किसी को अपडेट दे देता है तो बिल्कुल सेटअप करना चाहे तो कर सकते हैं, बट यहाँ पे आपको बड़ी मुश्किल से मिलने वाला है क्योंकि यहाँ पे फेसबुक ने जो अपडेट कर दिया है तो यहाँ पे आपको कॉन्टेंट मैनेजमेंट टूल्स जो है वो इन्हीं का सबका पार्ट है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे ये मोनेटाइजेशन है। अब यहाँ पे दोस्तों मैंने इसको ओपन कर लिया है, यहाँ पे देख सकते हैं एड्स ऑन डील जो है यहाँ पे दिखा रहा है। अब यहाँ पे कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल्स, अब यहाँ पे दोस्तों फेसबुक ने जो अपडेट कर दिया है एड्स ऑन डील या इंस्टीमेट को सबको मर्ज कर दिया है कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल्स में। तो आपको अगर मिल जाता है तो आपको ये एड्स ऑन डील और ये बोनसेस का जो जरूरत ही नहीं पड़ेगा क्योंकि सारा टूल्स आपका एक ही तो कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल से ही इनेबल हो जाएगा, यानी आपको मिल जाएगा। बाकी ये अपडेट कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्योंकि पहले क्या होता था, ये आपको इंस्टीमेट के लिए आप जो क्राइटेरिया बेस्ड था प्रोग्राम जहां पे आपको क्राइटेरिया कंप्लीट कर देते थे तो आपको जो है ये इनेबल करने का ऑप्शन मिल जाता था। अब क्या दोस्तों अब ये इनवाइट के थ्रू मिले, इनवाइट बेसिस प्रोग्राम कर दिया है फेसबुक ने। अब आपको फेसबुक खुद ही इन्वाइट करेगा कि आपको कब देना है, बट यूजर्स को क्रिएटर्स को ये जो अच्छा नहीं लगा अपडेट, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और मेरी बात करें तो दोस्तों मुझे काफी अच्छा लगा क्योंकि मेरा जो क्राइटेरिया अभी तक कंप्लीट नहीं था वॉच टाइम का, और यहाँ पे मुझे जो है बोनसेस का ऑप्शन भी नहीं मिला था। दोस्तों मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे मुझे जो मिला हुआ है स्टार है, एड्स ऑन डील मिला हुआ है, सब्सक्रिप्शन, अब यहाँ पे कंटेंट मैनेजमेंट टूल्स दे दिया। तो इसके अंदर सारी अर्निंग हम जो है फोटो से भी अर्निंग कर रहे हैं, आपको टेक्स्ट पोस्ट से भी अर्निंग कर पा रहे हैं एंड रील्स और वीडियो से भी अर्निंग कर पा रहे हैं, यानी हर फॉर्मेट में यहाँ पे अर्निंग स्टार्ट हो चुकी है। हालांकि अभी कमाई कम है, कई लोग ये भी कमेंट कर रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारा पहले एड्स ऑन रील का जो टोटल अर्निंग यहाँ पे दिखाता था वो ज्यादा दिखाता था, अब यहाँ पे अर्निंग कम हो चुकी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, यहाँ पे आप जब आपका कोई भी कॉन्टेंट यहाँ पे अच्छा वर्क करता है ग्रोथ लाता है तो यहाँ पे आपको उसकी अर्निंग भी यहाँ पे आपकी इंक्रीज होगी। तो ये टूल से मेरे हिसाब से काफी अच्छा है क्योंकि अब हर एक यूजर्स को जो है इंतजार रहेगा कि कंटेंट मैनेजमेंट टूल्स जो है जल्दी मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे अगर कंटेंट मैनेजमेंट टूल्स आपको मिल जाता है तो यहाँ पे सारे टूल्स जो है एक ही टूल्स में इनेबल हो जाएंगे और सारे फॉर्मेट में आप जो अर्निंग भी कर पाएंगे। तो बात करें एड्स ऑन रील्स और फेसबुक बोनसेस या इंस्टीमेट की, तो दोस्तों अपडेट करके जो उसे बंद कर दिया गया कि ताकि आपको एक ही जगह सारी टूल्स को देखने को मिल जाए जिसमें कंटेंट मैनेजमेंट टूल्स है जहां से आप जो सारा कुछ यहां पे चीज भी चेक कर पाएंगे। और यहां पे दोस्तों मैं एक चीज और आपको दिखा देना चाहता हूं, जैसे क्रिएटर सपोर्ट का ऑप्शन मिल जाता है, इसके ऊपर हम टाइप करेंगे मॉडरेशन सेक्शन में आ जाते हैं एंड यहाँ पे आपको प्रोग्राम एलिजिबिलिटी के ऊपर टाइप करके यहाँ से हम आ जाते हैं अपनी इंस्टीमेट के अंदर। अब यहाँ पे दोस्तों ये फॉर्म जो दिया हुआ है यहाँ पे आप जो फॉर्म भी सबमिट कर सकते हैं, यहाँ पे देखेंगे वी आर सेंडिंग इनविटेशन टू ज्वाइन द फेसबुक कंटेंट मैनेजमेंट बीटा एंड विल कंटिन्यू डू टू डीसी थ्रू आई इन द फ्लोइंग मंथ बिन विल द बीटा विल रिमेनिंग इनविटेशन ओनली अंटिल 2025, यानी 2025 तक ही ये इनवाइट करेंगे। तो उसके लिए आप जल्द से जल्द इस फॉर्म को सबमिट कर दीजिए और यहाँ पे आपको इस तक ही यहाँ पे दिखाया जा रहा है तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे 2025 तक ही आप यहाँ पे फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है और अगर आपको कंटेंट मैनेजमेंट टूल्स में इंटरेस्टेड है तो आप जल्द से जल्द इस फॉर्म को सबमिट करें और जैसे आप इलिजिबल लगते हैं फेसबुक को आप फेसबुक खुद ही आपको इनवाइट कर देगा।
अपडेट मुझे काफी अच्छा लगा, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।